गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब बढ़िया मस्त बवाल हो। तो आज हम जा रहे हैं लेवर पे और हमारी लाइफ का लास्ट लेवर होने वाला है ये। एंड आई फील दिस इमोशन इनसाइड में कि ये लास्ट टाइम मैं एज अ कैबिन क्रू के यूनिफॉर्म में लेवर पे जाने वाली हूँ। एंड आई स्वेयर गाइस, मैं हमेशा लेट रहती हूँ, बट आज मैं खुद ही जल्दी उठ गई, खुद ही मैंने मेकअप भी कर लिया। आई स्टिल हैव लाइक 15 मिनट्स टू गो टू सिट इन द कैब एंड आई डोंट नो इफ आई शुड स्माइल और आई शुड फील इट कि ये लास्ट होने वाले। वो जो एक मोमेंट होता है ना फर्स्ट एंड द टाइम की वो लास्ट है, तो एंड गाइज ये मेरा लास्ट लेओवर होने वाला था। एंड आई नो कि आप लोगों ने कितना प्यार दिखाया लेओवर व्लॉग्स को। यू यूज़ टू ऑलवेज कॉमेंट की दी प्लीज़ लेओवर व्लॉग्स डाला करो एंड आई यूज़ टू लव रिकॉर्डिंग थिंग्स, बट नन द लेंस 3 दिन के पैटर्न, 3 दिन के लेओवर पे जा रही थी, हैदराबाद कोची लेओवर एंड एवरीथिंग। बट देन यू विल गेट टू नो इन द व्लॉग व्हाट हैपन टू मी एंड व्हाई दिस वॉज एक्चुअली जस्ट 1 डे लास्ट लेओवर फॉर मी। लेट्स गो फॉर द फ्लाइट नाउ एंड लाइक लॉट ऑफ इमोशंस। कौन सा है सर, नंबर बताइए। 30 बीच वाला सर। देखो गाइज, अभी सनराइज भी नहीं हुआ है और फर्स्ट सेक्टर हमारा ख़त्म हो चुका था। एंड देन सेकंड सेक्टर आते आते मैं सोच रही थी कि भाई आज मेरी 12 से 15 घंटे की ड्यूटी है, बट कल परसों बस 2-3 दिन और, उसके बाद तो आई वोंट बी डूइंग एनी फ्लाइट्स। एंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हो रहा था बिकॉज एयरक्राफ्ट, ये जो एरोप्लेन है, ये मेरा सेकेंड होम बन चुका था। इसकी हर चीज़ मुझे याद है, आँख बंद करके भी आई कैन टेल कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। एंड This was getting tougher for me, first sector, second sector, third sector हुआ। fourth sector में finally हमें land करना था Cochin to Hyderabad। Hyderabad में हमारा layover था for 20 hours and उसके बाद कल वापस फिर flights थी, फिर Hyderabad layover था, तो काफ़ी लंबा दिन था। and somehow we reached to the hotel and then finally मैं as a cabin crew भी शायद last time check-in कर रही हूँ किसी hotel में इस uniform में, तो ये भी एक बहुत nostalgia वाली feeling थी मेरे लिए। आ चुके हैं गाइस होटल और फेस एकदम डल सा ही लग रहा है बिकॉज आई एम सो टायर्ड, मेरे को फीवर भी हो रहा है गंदा सा। बट क्विकली लेते हैं शावर और शावर में आपको शावर रूटीन भी दिखाऊंगी अपना, जो भी मैं प्रोडक्ट्स एक्चुअली यूज करती हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत टाइम कमेंट में पूछते हो कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्ट यू यूज। सो हियर आर फ्यू प्रोडक्ट्स दैट आई यूज, आई विल जस्ट शो यू एंड लेट्स क्विकली टेक शावर एंड स्लीप। गाइस खाना मंगा लिया है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, खिचड़ी मंगाई है। सुबह तक आई वॉज़ फाइन, आई टुक शावर, वैसा नहीं लगा था तबीयत ख़राब हो जाएगी, बट देन हो गई है बहुत ज़्यादा। मैंने दवाई मेड्स भी मंगा ली है, पैरासीटामोल अब होटल्स में देते नहीं है एक्चुअली आजकल दवाई, कोविड के चक्कर में, कोविड के टाइम से ही बंद हो गया था दवाई देना। सो माय वाइफ फाउंड इट एंड या
यस, अभी जो मेरी हालत है ना, मैं आप लोग को बता भी नहीं सकती. ऐसा लग रहा है कि मुझे बस घर जाना है. आज मैं लिटरली लेओवर पे ना 1000 प्लान्स बना के आई थी कि मैं हैदराबाद लेओवर पे आई हूँ तो 4 महीने जाऊँगी, ये जाऊँगी, वो जाऊँगी. पर अब ऐसा लग रहा है कि कल की फ्लाइट भी नहीं होगी मेरे से. कल मुझे रिपोर्ट सिक, लाइक आई हैव टू रिपोर्ट सिक फॉर द फ्लाइट टुमारो, एंड इट्स टू मच. द पेन, आई एम फीलिंग फेवरिश. भाई बस कोजी होने का मन कर रहा है. कंबल में बढ़िया रहो, खुश रहो, सो जाओ भाई. आई एम नॉट थिंकिंग. मैं पता है इस मोड से आई थी, मैं ब्लॉग बनाऊंगी, मैं ये शूट करूंगी, वो शूट करूंगी. इट्स ओके, आई हैव टू एक्सेप्ट कि सब कुछ प्लान वाइज नहीं जाता है. जो मैं नहीं एक्सेप्ट करूँ, मैं भी सो थोड़ा सा पैरासिटामोल खा के बेटर हो जाएगा तो ये वो कर लूंगी. बट देन शांत, वरना मम्मी मारेगी मुझे. एंड नेक्स्ट डे गाइज, एक डिसीजन लेना था मुझे कि क्या मैं फ़्लाइट करने की हालत में हूँ, क्या मैं फ़िट टू फ्लाई हूँ. तो मैं सुबह तक वेट किया, देन आई डिसाइडेड कि भाई मैं नहीं हूँ. अभी मैं तैयार हो गई थी, बट देन आई हैड टू डिसाइड कि मैं नहीं कर पाऊँगी फ़्लाइट बाकी 2 दिनों के लिए. एंड 2 दिन का मुझे सिक लीव लेना पड़ेगा टू यू नो टेक केयर ऑफ माई हेल्थ. तो बेसिकली जो लास्ट लेवर था, मैं उसको भी पूरा ठीक से फील नहीं कर पाई, बट हेल्थ वॉज ऑलवेज अ प्रायोरिटी. टाइम टू लीव हैदराबाद गाइस. तबीयत वैसी है, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है, बट ठीक है यार, घर जाके ठीक हो जाएंगे मम्मी के पास. बस एक अच्छी बात है, यहाँ धूप निकल रही है, यहाँ गर्मी है, तो आई फील मैं थोड़ी जल्दी बेटर हो सकती थी. दिल्ली में रहती तो और ख़राब होता. तो लेट्स गो. ग्रू को भी बाय बोल रही हूँ, इन्होंने बहुत ख्याल रखा मेरा. सुबह सुबह मैंने लाइट भी जला दी जबकि इनकी फ्लाइट 3 बजे है. इन्होंने मेरे लिए कुछ बनाया भी है, जल्दी दिखाओ. कितना बुरा हो सकता है गाइस, तबीयत खराब है और फ्लाइट डिले हो गई. 1:30 का डिपार्चर था, 2:15 हो गया, तो बीमारी में यहीं बैठी हूँ. पहले तो गाइस फ्लाइट डिले थी सिर्फ 45 मिनट्स के लिए, अब हो गई थी 2-3 घंटे के लिए डिले, तो एयरक्राफ्ट में बैठे हुए थे. बट फाइनली वी टुक ऑफ फॉर दिल्ली एंड आई वाज सो हैप्पी. फाइनली बैक टू दिल्ली. बैक टू घर आ गए गाइस. कसम से बता रही हूँ, सारी तबीयत ठीक हो गई है, एकदम से ठीक हो गई. मम्मी वहां पे तो कल कंबल खोल गया था. कंबल खोल गया था, खोल आग लग गई थी कंबल में. हमको सही में रात में लगा, अरे इतना इतना पसीना हो रहा है. फिर मैं कंबल हटा रही हूँ, फिर मैं नॉर्मल हो रही हूँ, फिर मैं कंबल हटा रही हूँ. तो मुझे घर पे एकदम ठीक लग रहा है. जब आई थी तो कैसी थी घर पे थोड़ा मैं अनॉयड थी. मम्मी ने मुझे कम से कम 5 लेयर कपड़े पहना दिए हैं कि अब कुछ नहीं होगा. कल तो कॉल करके परेशान कर दिया, क्या हो गया मेरी बेटी को, क्या हो गया. ये मेरे से ना एक दिन के लिए भी दूर नहीं है. अरे मैं होम सिक आदमी हूँ. एकदम सही सही भेजा था, वहाँ जाके पता नहीं क्या कर लिया. फिर ये जो आई ना, इतने गुस्से में घर को बोली, घर नहीं अच्छा है. अबे घर ग्राउंड फ्लोर है ना, इतना ठंडा रहता है. ये रूम नहीं अच्छा है, ये मम्मा नहीं अच्छी है. नहीं, ये तो नहीं बोला. मैंने ना इसको 5 मिनट के अंदर इसको ठीक किया. बजा रहे हमारे लिए ताली कि 9 लाख सब्सक्राइबर हो गए जस्ट अभी. Cheers पापा.